हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डी एन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या आपको पता है कैलेंडर का निर्माण कब और किसने किया? कैलेंडर एक ऐसा साधन है जिसके ज़रिए हम दिन, महीने, वर्ष को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसका आरंभ स्पष्ट और वैज्ञानिक तरीके से तब शुरू हुआ जब पोप ग्रेगरी ने जीजस के जन्म की तिथि 1 जनवरी सन 1 से निश्चित करते हुए इसे शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए 365 दिन तय किए जिसे 12 महीनों में बांटा गया। लीप ईयर की अवधारणा भी पोप ग्रेगरी ने ही रखी। यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक गणना पर आधारित था और इसका प्रयोग पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में सन 1752 से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक इसकी महत्ता बढ़ती ही जा रही है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उस टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी।